सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संसारों से, पर सिद्धि होती है उसके व्यवहारों से। जीवन में कष्ट उसी को होता है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। इंसान अपना चेहरा सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर ईश्वर की नजर होती है। आज का पंचांग 7 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, रात्रि 11:58 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र 3:46 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:53 से 3:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:11 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 7 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, अपनी नई सफलता को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, उनसे भी जो आप पर निर्भर हैं। अभी आप भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, सावधानी से नेटवर्किंग करें और सुरक्षित कर लें कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। और रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करें जिन्हें आपकी जरूरत है। यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छा है। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, इसीलिए आपके सभी काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। किसी भी एक खास काम में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। आज कुछ पुराने मतभेद दूर होंगे तथा आपसे संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। जमकर मेहनत करने का समय और सफलता भी निश्चित है। आपके विनम्र स्वभाव, आपकी लोकप्रियता तथा साख में भी वृद्धि होगी। कड़ी मेहनत के बावजूद भी परिस्थिति में मनचाहा बदलाव ना देख पाना आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। अधिक चिंता के कारण आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। जो बातें आपके पक्ष में हैं, उनका अधिक फायदा उठाने की कोशिश करें और जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, ऐसी बातों को अभी अधिक महत्व ना देते हुए अपने काम करते रहें। वरिष्ठ अधिकारी से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सावधानियां, किसी किसी समय थकान व तनाव की वजह से आप में नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने मनोबल द्वारा उस पर काबू भी पाने में सक्षम रहेंगे। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करें तथा अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही कार्य करें तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। किसी अन्य व्यक्ति के कारण प्रेम संबंधों में अलगाव होने की आशंका है। समूह या क्लब में भागीदारी आपके सामाजिक सर्कल को बढ़ाएगी। आपका फॉर्च्यून, आपका लक आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। साथ ही नए साथी से भी मुलाकात होगी। अपने दिल की भावनाओं को एक दूसरे से जरूर शेयर करें। यात्रा के समय दुर्घटना या सामान की चोरी से बचें। परेशानियों का सामना करने के लिए आज का समय सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप विपरीत लिंग से शर्माते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप में आत्मविश्वास की कमी है। बात करते हैं करियर की। आज लक के साथ होने से आपका पूरा दिन शुभ रहेगा। अपने साथी और शुभ चिंतक के साथ बातचीत आपको नए विचार ला सकते हैं।
जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। किसी समूह या सोसाइटी में शामिल होकर आप इन पलों को एंजॉय कर सकते हैं। आज आप मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपको हर कोशिश में सफलता मिलने वाली है। स्वयं के प्रयासों, कड़ी मेहनत और तर्क के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए यह बेहतरीन समय है। अपनी स्थिरता और नैतिकता के लिए प्रतिबद्ध रहें, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी होने से बचें। इसका परिणाम निराशाजनक हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज कमर से संबंधित किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। कमर की परेशानी से निजात पाने के लिए आप हल्का फुल्का व्यायाम या योग भी कर सकते हैं, ताकि दर्द से निजात मिल जाए। ध्यान रहे, कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे आप इस छोटी परेशानी को बड़ा बना दें। आज शारीरिक श्रम ज्यादा ना करें। आज का उपाय, आज आप केले का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।